ये गुड्डा भैया के जसवाल जी का ही कार्यक्रम है जिसमें पहली बार कांग्रेस ने काला धन सामने लाया है। भगवान आपके चेहरे पर यूं ही हंसी बनाए रखे। सभी को प्रणाम करता हूं। इतने अच्छे आयोजन के लिए, रामपाली महोत्सव के लिए पूरे प्रशासन को, सम्माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। ये अद्भुत अविश्वसनीय कार्यक्रम, इतनी भीड़, कहा गया कि इतनी भीड़ कभी यहाँ जमती नहीं थी। मैं पूरे प्रशासन को, सम्माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ। मंच पर सारे देश के श्रेष्ठ कवि विराजमान है। मैं बहुत देर से परेशान था, मैंने सम्माननीय मंत्री जी से भी पूछा भी, मैंने कहा मंत्री जी सारे कवि घूरे चिट्टे बुलाए, फिर एक ब्लैक पीस क्यों बुलाया? तो सम्माननीय मंत्री जी ने कारण बताया, बोले मद्रासी जी बात ऐसी है, बचपन में माँ अपने बच्चे को काला टीका लगाती ताकि बच्चों को किसी की नजर ना लगे। मैंने कहा मंत्री जी उससे मेरा क्या संबंध? बोले हम भी चाहते थे रामपाली महोत्सव को किसी की नजर ना लगे, इसलिए तुम्हें बुलाया है। मैं भी चाहूंगा रामपाली महोत्सव को, पूरे रामपाली वालों को किसी की नजर ना लगे। आप सभी दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें और खूब नाम कमाए। मगर सभी बुद्धिमान यहाँ विराजमान है, इतिहास के पन्ने पलट के देखना, जो लोग दिखने में काले हैं उन्होंने बहुत नाम कमाया। कोफी अन्नान, नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, अब्दुल कलाम, मनोज मद्रासी। हालांकि आते आते मैं थोड़ा लेट होगा, तो मुझसे भी अनामिका जी पूछ रही थी, बोले मनोज जी क्या बात है, बहुत मायूस दिख रहे हो। मैंने कहा अनामिका जी लंबी यात्रा तय करके आया हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो अनामिका जी एकदम मेरे करीब आके बैठ गई, बोले अब कैसे लग रहा? मैंने कहा अनामिका जी आप मेरे करीब आके बैठी तो मुझे ऐसे लगा जैसे कश्मीर खुद चल के केरल के पास आ गया हो। हंसी आपकी अपनी है, जहां अच्छा लगे वही हंसना। तालियां आपकी अपनी है, जहां अच्छे लगे वही बजाना। हंसना तो बिल्कुल वहां जहां अच्छा लगे। आप तो नवजोत सिंह सिद्धू तो हो नहीं जो किसी बात पर हंसे। भगवान आपको जीवन में बहुत हंसाए, मगर दो लोगों की हंसी से हमेशा बचाए, एक अर्चना पूरन सिंह, दूसरा राहुल महाजन। सबसे अच्छी हंसी वो होती है, सम्मान्य बड़े बड़े अधिकारी यहाँ बैठे हैं, सबसे अच्छी हंसी वो होती है सर जो मन के भीतर से निकल कर आती है, वो हंसी सबसे अच्छी होती है। मैं सभी को बधाई देता हूँ, इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया है। सब अभी मुझे मालूम भी पड़ा कल सम्माननीय अनुराधा पौडवाल जी का गायन का कार्यक्रम हुआ है। आप चाहते तो आज यहाँ राखी सावंत का शो भी कर सकते थे, मगर आपने कवि सम्मेलन को रखकर समाज के कलाई पर साहित्य की राखी बांधने का जो प्रयास किया है, उस प्रयास को हम सारे कवि प्रणाम करते हैं। बधाई देता हूँ आप सभी को। समय बहुत कम है, मैं चार चार पंक्तियों से आपको हंसाने का प्रयास करूंगा। आनंद हंसी अपने आसपास बिखरी पड़ी है, हम इसलिए नहीं हंस पाते क्योंकि समस्या उससे ज्यादा बड़ी है। समस्याओं से बाहर आके इस कवि सम्मेलन को सुने। इस मंच का मैं पहला कवि हूँ, आपको हंसाने का पूरा प्रयास करूंगा। किसी ने कहा भी है कि गंभीरता के साथ बहुत जी न पाओगे, गंभीरता के साथ बहुत जी न पाओगे, बढ़ जाएंगी ये उम्र गर मुस्कुराओगे, माचिस तुम्हारे हाथ में है, अब तुम ही तय करो दिए जलाओगे या घर जलाओगे। बहुत अच्छे मनोज। आइए मैं इस मंच का पहला कवि, अपनी जिम्मेदारी जानता हूँ, आपको हंसाने का प्रयास करूंगा। कि रमेश कक्षा में देरी से आया, होमवर्क भी करके नहीं लाया, आते ही सो गया, अध्यापक बोले बेटा क्या हो गया, इस कदर कक्षा में देरी से आओगे, भविष्य में कुछ भी नहीं बन पाओगे। तो रमेश बोला गुरुजी सुनो जन की करो मन की, ऐसे हमारे बुजुर्ग बतलाते थे, अमेरिका में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा तो वही लोग बचे जो देरी से ऑफिस आते थे। बढ़िया। क्या पिताजी पिताजी अपने बेटे को आदर्श बालक होने के गुण सिखला रहे थे, अपनी छोटी उम्र में कौन कौन क्या क्या कर गया यह बतला रहे थे। पिताजी ने कहा बेटा तेरी उम्र में संत ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी लिख डाली, तेरी उम्र में सम्राट अकबर ने राजगद्दी संभाली, और तेरी उम्र में शिवाजी महाराज ने तोरणगढ़ किला जीता और दुश्मनों की ओर बढ़ गए थे। लड़का बोला पिताजी भगत सिंह आपकी उम्र के थे तो फांसी पे चढ़ गए थे। हंसी अपने आसपास बिखरी पड़ी है, उसे कलेक्ट करने का तरीका चाहिए। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ आनंद ले, कि होली के दिन 8-10 बैल मिलकर अंग्रेजी फिल्मों के पोस्टर खा रहे थे। वाह।
होली के दिन 8-10 बैल मिलकर अंग्रेजी फिल्मों के पोस्टर खा रहे थे। यह दृश्य देखकर नन्हे नन्हे बछड़े ललचा रहे थे। थोड़ी देर पश्चात मैंने एक बैल से पूछा, सारे के सारे पोस्टर खा लिए, बछड़ों को नहीं दिए? तो बैल गुस्से से बोला, उस पर तो लिखा था केवल वयस्कों के लिए। उस पर तो लिखा था केवल वयस्कों के लिए कि घूमने फिरने के अपन भी आशिक। कुंभ के मेले में मैं गया था नासिक, एक साधु बाबा मेरे पास आए, मुझसे बोले, मद्रासी तू उदास उदास है, मुझे है पता, कोई समस्या हो तो बता। मैंने कहा, बाबा ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे पति पत्नी में ना झगड़ा हो ना टंटा। बाबा बोले, बेटा यह सब मालूम होता तो मैं साधु क्यों बनता, यह सब मालूम होता तो मैं साधु क्यों बनता। क्या वो अनुभव मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं पहली बार शिरडी साईं बाबा के चरणों में गया था। मैंने बाबा के चरणों में 10 रुपए का नारियल और 10 रुपए का फूलों का हार चढ़ाया और अपना मांग पत्र बाबा के आगे बढ़ाया। मैंने कहा, शिरडी के साई बाबा मेरी लॉटरी लगा दो, मुझे अच्छी सी नौकरी पे लगा दो, मेरे लिए प्यारा सा बंगला बना दो और एक सुंदर सी लुगाई। तो बाबा के मूर्ति में से आवाज आई, बोले, इतना ज्यादा मांगने वालों का मुझे बहुत गुस्सा आता है, मद्रासी तू 20 रुपए के रिचार्ज में पूरी एयरटेल कंपनी खरीदना चाहता। भगवान से इतना ज्यादा भी न मांगे, खुद का कॉन्फिडेंस ऊंचा होना चाहिए। बड़ी संख्या में माता बहनें यहाँ विराजमान है, उन्हें बधाई देता हूँ। सम्मान्य, आप जानते हैं हमारे देश में जितने बड़े बड़े पद है वो महिलाओं के पास है, वो इसलिए क्योंकि महिलाएं बुद्धिमान होती है। 8 मार्च महिला दिवस के दिन मैंने पत्नी से पूछा, मैंने कहा, ये बता महिलाएं काय का रूप है? बोले, शक्ति का। मैंने कहा, पुरुष? बोले, सहन शक्ति का। सम्मान्य मंत्री जी, महिला बुद्धिमान होती है। मैं जब भी कोई नई कविता लिखता हूँ तो सबसे पहले पत्नी को बताता हूँ, वो मुझे 500 रुपए देती है, कहती है प्लीज सुनाओ मत। एक दिन तो सर एक डाक से पत्र आया, कुरियर से पत्र आया, मैंने पत्र खोला भी नहीं था। अक्सर महिलाओं की आदत होती है, बोले, किसका पत्र है, कहां से आया? मैंने भी जोश जोश में कह दिया, मैंने कहा, लाल किले से। मैंने कहा, दिल्ली से आया है, आपके लाल किले पे कविता पढ़ने का मौका मिला है। पत्नी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने कहा, तुझे खुशी नहीं हुई क्या? बोले, खुशी किस बात की, वो किला ऐसे थोड़ी लाल हुआ। महिला बुद्धिमानी से काम लेती है। सर एक दिन तो अजीब सवाल पूछ लिया मेरे से, बोले, ये बताओ, मैंने पत्नी से पूछा, मैंने कहा, ये बता कवि और पागल में क्या अंतर है? बोले, पागल ठीक भी हो सकता है। आदरणीय मैडम, मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ वहां हमारी हेड क्लर्क है नायडू मैडम, हमेशा माथे बड़ा सा टीका लगाती। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा, मैंने कहा, नायडू मैडम आप इतना बड़ा टीका क्यों लगाती? बोले, पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए। हर भारतीय महिला चाहती है उनके पति का स्वास्थ्य अच्छा हो, उनकी लंबी आयु हो। पर मैंने एक दिन देखा नायडू मैडम छोटा टीका लगा के आई। मैंने कहा, मैडम क्या हुआ? बोले, आपके भैया का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जब मैडम दूसरे दिन आई तो उससे भी छोटा टीका लगा के आई। मैंने कहा, मैडम? बोले, आपके भैया को आईसीयू में रेफर किया गया। जब मैडम तीसरे दिन आई तो माचिस के गुल जैसा बारीक सा टीका लगा के आई। मैंने कहा, मैडम? बोले, नहीं नहीं आज उनको ऑपरेशन है। उसके बाद मैडम 20 दिन नहीं आई। 20 दिन के बाद जब वापस ऑफिस में आई तो फिर से बड़ा टीका लगा के आई। मैंने कहा, भैया ठीक हो गए? बोले, वो तो निपट गए, मैंने दूसरी शादी कर ली। महिलाएं बुद्धिमान होती है सर। हमारे हिंदू धर्म में एक धारणा है, अनामिका दीदी सुनना बात को, हमारे हिंदू धर्म में एक धारणा है कि भगवान शंकर को 3री आंख दी गई है। मगर मेरी व्यक्तिगत धारणा यह है कि महिलाओं के पास भी 3री आंख होती है। महिलाएं जान जाती है कौन सा पुरुष उसे किस नजर से देख रहा है। आपकी सुंदर महिला की तरफ गौर से देखो तो बाजू वाली महिला से कहेंगी, देखो कैसा कुत्ते जैसा देख रहा है। बहुत अच्छे। और आप न देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ आनंद, समय बहुत कम है। कि बस में सफर करते हुए एक महिला ने कंडक्टर से पूछा बस में कितने घंटे रहते हो भाई? कंडक्टर हाजिर जवाब था, बोला, 14 घंटे सरकारी बस में रहता हूँ और 10 घंटे पत्नी के बस में रहता हूँ। बढ़िया, 14 घंटे सरकारी बस में और 10 घंटे पत्नी के बस में रहता हूँ, मुझे मेरा पता है कैसे सहता हूँ, कभी इसके कभी उसके बस में रहता हूँ।
कभी इसके कभी उसके बस में रहता हूँ, समय निश्चित कम है, बड़े बड़े कवियों को आपको सुनना है। पर आदरणीय मंत्री महोदय, आदमी जैसा दिखता वैसा होता नहीं है। मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ, 6 दिन पहले मैं एक दोस्त के घर गया था खाना खाने के लिए, उसका लड़का सामने आया, बोले अंकल नमस्ते, पानी पियो। मैंने कहा बेटा तेरा नाम क्या है? बोले अंकुश। मुझे बहुत खुशी हुई, कितना अच्छा नाम है अंकुश। मैं पानी पी रहा था तो एक बच्ची सामने आई, बोले अंकल नमस्ते। मेरे मित्र की तरफ देखा, मित्र बोला ये मेरी छोटी बेटी प्रगति। मैंने कहा गजब कर रहा है, तू पहला आदमी है जो अंकुश के बाद प्रगति कर रहा है। कहीं ना कहीं विसंगतियां साथ में चलती है। ये सांस्कृतिक मंत्रालय का कार्यक्रम, संस्कृति का कार्यक्रम, अच्छी अच्छी बातें होना चाहिए सर। मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, एक वकील है, हम तीनों साथ में बैठे थे। मेरे डॉक्टर दोस्त ने अनायास ही कह दिया, बोले हम डॉक्टर हैं, सफेद कोट पहनते, कितने अच्छे दिखते, तुम वकील हो काले कोट क्यों पहनते? मेरा वकील मित्र नाराज हो गया, वह बोला हम काले कोट थोड़ी पहनते, हमारे कोट भी पहले सफेद थे, वो तो हमारे कारनामे देखकर। तमाम बाबाओं की बात की सम्मान्य सुंदरा जी ने, सुंदरानी जी, बाबा सभी बाबा बुरे नहीं होते, एक बाबा तो बहुत अच्छे हैं जिन्होंने सभी से कहा योग करो योग करो योग करो। हम सब लोग योग करने में लग गए, बाबा उद्योग करने में लग गए, बहुत अच्छे। ये बंबई से बड़ी बड़ी कवित्रे आती है, पूनम वर्मा जी आती है, कई फिल्मों में गीत लिखे गए, दिल से दिल मिलना चाहिए, दिल ऐसा होता है दिल वैसा होता है। पर मेरी व्यक्तिगत धारणा है सर कि दिल से दिल मिले ना मिले, विचारों का मिलना बहुत जरूरी है, विचारों का मिलना जरूरी है सर। मेरा एक दोस्त है जिसने कसम खाया था कि जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा, पर एक दिन सुंदर सी महिला के साथ दिखा, इसके पहले कि मैं कुछ बोलूं उसने ही कहा ये तेरी भाभी है पगले। मैंने कहा तूने तो कसम खाया था कभी शादी नहीं करूंगा, बोले हो इसने भी कसम खाई थी कभी शादी नहीं करूंगी, दोनों के विचार मिले फिर हमने शादी कर ली। विचारों का मिलना जरूरी है। मैंने कहा कब हुई शादी? बोले 3 साल हो गए। मैंने कहा बाल बच्चे? बोले बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले विचार नहीं मिल रहे। एक दिन दोनों साथ में नजर आ रहे थे, शायद खुश थे, कहीं जा रहे थे। मैंने कहा कोई खुशखबर दे रहे? बोले हाँ हम दोनों तलाक ले रहे हैं। बहुत अच्छे। बोले इसकी भी इच्छा साथ में रहने की नहीं है, मेरी भी नहीं है, दोनों के विचार मिल रहे हैं। तलाक एक ऐसा शब्द है सर जो चेहरे पे मायूसी ला देता है, पर मैंने वहां से भी व्यंग उठाने का प्रयास किया है। मंच के सारे कवियों का आपका भी ध्यान चाहूंगा, पंक्तियां पढ़ता हूं आनंद ले कि मित्र की असफल शादी के बाद जब सफल तलाक हुआ, मित्र की असफल शादी के बाद जब सफल तलाक हुआ तब तलाक के दस्तावेज पे दस्तखत के लिए मित्र के पत्नी ने मित्र से पूछा आपके पास पेन है क्या? मित्र सहजता से बोला बिछड़ते हुए भी तुमने किन शब्दों को छुआ है, अब पेन की क्या कमी है, सारा पेन तो तुम्हारा ही दिया हुआ है। आपकी कमजोर तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया कविता है भाई, बढ़िया कविता। बिछड़ते हुए भी तुमने किन शब्दों को छुआ है, अब पेन की क्या कमी है, सारा पेन तो तुम्हारा ही दिया हुआ है। जैसा दिखता वैसा होता नहीं है सर, के दारूबंदी पर मंत्री जी का भाषण। आनंद ले, समाज में बुराइयां भी चलती है। सम्मान्य मंत्री जी ने खुद कहा है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। पंक्तियों को स्वीकार करें कि दारूबंदी पर मंत्री जी का भाषण, भाषण के बाद कुछ कार्यकर्ता मंत्री जी के पास आए, बोले सर आपने दारूबंदी पर अच्छा भाषण दिया है, जनता का दिल जीत लिया है। मंत्री जी हंसकर पीए से बोले देखा मैं जनता की नस टटोल लेता हूँ, सच बात तो ये है पीकर भी अच्छा बोल लेता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश के बड़े बड़े कवियों को आपको सुनना है सर। किसने कहा भी है, मैं जानता हूं देश श्रेष्ठ अधिकारी सामने बैठे हैं, किसने लिखा है सर कि कोई तानसेन बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है कानसेन जो तानसेन को सुनता है। सुनने वाले बड़े होते, श्रोता बड़े होते, कवियों से ज्यादा विद्वान श्रोता होते। मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ, 6 दिनों पहले मैं इंदौर गया था कार्यक्रम के लिए, समय बहुत कम बचा था, संचालक ने कहा बहुत कम पढ़ना, मैं खड़े हुआ, मैंने मंच पे कहा, मैंने कहा 4 पंक्तियां सुना रहा हूं, 4थी पंक्ति पे आपकी तालियां चाहूंगा। एक श्रोता खड़े हुए, बोले सर 4थी पंक्ति सुनाओ। मंत्री महोदय, मैंने 4 पंक्तियां सुनाई, एक बुजुर्ग आदमी उठकर मंच पे आए, बोले मद्रासी जी मैंने आपको सब टीवी के मशहूर कार्यक्रम वाह वाह क्या बात में सुना था, आज यहाँ सुना, क्या लिखते हैं आप? मैंने उनके चरण छुए, मैंने कहा बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। बोले नहीं मैं पूछ रहा हूँ क्या लिखते हैं आप।
तब मैंने चार सार्थक पंक्तियां लिखी है, आप सभी को सौंपता हूं कि अस्पताल में फल वितरण के दौरान, अस्पताल में फल वितरण के दौरान डॉक्टर ने कहा, मरीज की तबीयत सुधरने की बजाय बिगड़ रही है साहब, कहीं कार्बाइड से पके फल तो नहीं खिला रहे आप? क्या बात? वे बोले, कमाल है, मैं अपना जन्मदिन मना रहा हूँ, बाजार से लाकर ताजे फल खिला रहा हूँ, और मेरे जन्मदिन की खुशियाँ गम में बदल रही है कैसे? और मरीज से बोले, क्यों रे, ताजे फल खाकर तेरी तबीयत बिगड़ रही है कैसे? तो मरीज ने हंसते हुए कहा, बाबूजी, आदमी मन के स्वभाव के सच्चे होना चाहिए, फल बाजार के नहीं, फल करने के अच्छे होना चाहिए। बहुत अच्छे, फल करने के अच्छे होना चाहिए। मैं पूरे प्रशासन को, सम्मान्य मंत्री जी को इतने अच्छे कार्यों के लिए बधाई देता हूं। और मुझे हंसी के लिए खड़ा किया गया था, सर मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते नहीं। सम्माननीय पुलिस अधीक पुलिस महकमे के बड़े बड़े अधिकारी यहाँ विराजमान है। सर मेरे पिताजी भी पुलिस विभाग में है, हमारे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई सभी पुलिस विभाग में है। हमारे खानदान में मैं अकेला कवि हूँ। कभी कभी तो मेरे पिताजी मुझे गौर से देखते, आखिर गलती हुई कहाँ। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, बोले बेटा कवि सम्मेलन तो रात में रहते, दिन में पुलिस की नौकरी कर ले। मैंने कहा ठीक है पिताजी। मैं पुलिस के भर्ती में गया तो कमिश्नर साहब ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, क्यों रे मद्रासी, तेरे हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती, फिर भी तो होना है पुलिस में भर्ती। तो मैंने कमिश्नर साहब से कहा, मैंने कहा सर मेरा सिर्फ इतना है कहना, मैं तो ये बताने आया कि मेरे भरोसे पे मत रहना। बहुत अच्छे। तो कमिश्नर साहब मुस्कुराए, एक कांस्टेबल को बुलाए, उसके हाथ से टेप लिया, मेरे छाती से लगाया, बोले मद्रासी छाती फुलाओ। मैं अपनी छाती फुलाई, बोले बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो? मैंने कहा साहब मैं अपने देश के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक दे सकता हूँ। कमिश्नर साहब खुश नहीं हुए, फिर टेप खींचा, थोड़े ऊपर लगाया, बोले मद्रासी छाती और फुलाओ। अपनी छाती और फुलाई, बोले अब बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो? मैंने कहा सर अपने देश के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। साहब खुश नहीं हुए, फिर टेप खींचा, थोड़े ऊपर लगाया, बोले मद्रासी छाती और फुलाओ। अपनी छाती और फुलाई, बोले चलो अब कोई ऐसी बात बोलो जिससे हमारी भी छाती फुल जाए। मैंने कहा सर 2 लाख तक दे सकता हूँ। साहब ने तुरंत कहा से लिख, मगर मैंने सोचा 2 लाख रुपए देके किसी एक शहर के लिए जागने से अच्छा है मैं पूरे देश के लिए जागूं। रात में 2-2 बजे पुलिस वाले गश्त पे जाते हैं, सर आनंद ले, किसी बात को अन्यथा ना ले। पिछले दिनों जब कोई कवि सम्मेलन नहीं था, मैं घर में एकांत बैठा था, मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा, बोले बेटा कवि सम्मेलन नहीं है क्या? मेरे पिताजी मतलब कवि सम्मेलन तो बहुत है, आजकल कोई बुला नहीं रहा। अच्छा बाप वो होता है जो बेटे का हौसला बढ़ाए। बोले बेटा निराश मत हो, हमारे साथ गश्त पर चल, पुलिस की जीप में बैठ। रात में 12 बजे का समय था, मंत्री महोदय मैं पुलिस की जीप में बैठा, मैंने एक मशीन देखी। मैंने कहा पिताजी ये मशीन ड्रकन ड्राइव ब्रीथ एनालाइजर, ये मशीन बताती है कौन सा आदमी शराब पीकर गाड़ी चला रहा है, कौन सा बिना पिए चला रहा है। बोले देख इसमें फूकने पे अगर हरा लाइट जले समझना बिना पिए चला रहा है, और फूकने पे लाल लाइट जले समझना पी के चला रहा है। चौराहे में पुलिस वालों ने गाड़ी रोकी, हीरो होंडा पे 2 लड़के आए। पिताजी ने कांस्टेबल की तरफ देखा, कांस्टेबल ने मशीन निकाली, लड़कों से कहा फूको, लड़कों ने बारी बारी फूका, बोले हरा लाइट जला, बोले जाने दो। बाद में 4-व्हीलर आई, 4 लोग बैठे थे। पिताजी ने कांस्टेबल की तरफ देखा, कांस्टेबल ने तुरंत मशीन निकाली, बोले फूको, चारों ने बारी बारी फूका, हरा लाइट जला, बोले जाने दो। मैंने कहा पिताजी मैं देखना चाहता हूँ ये लाल लाइट जलता कैसे। बोले थोड़ी देर रुक जा, कोई ना कोई आएगा तो बता देंगे। मंत्री महोदय आधा घंटा होगा कोई नहीं आया। मुझे परेशान होते देख पिताजी ने एक कांस्टेबल को बुलाया और कांस्टेबल से कहा तू ही फूक के बता दे लाल लाइट जलता कैसे। हालांकि ये काम पिताजी भी कर सकते थे। आइए, समय बहुत कम है, बड़े बड़े कवियों को आपको सुनना है। इस मंच की आखिरी कविता मैं पढ़ता हूँ। बढ़िया मनोज, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। मैं जानता हूँ बड़े बड़े कवियों आपको सुनना है। आदरणीय सर, ये सांस्कृतिक मंत्रालय का एक रामपाली महोत्सव है, संस्कृति से जुड़ा विषय है, इसलिए मैं एक अच्छी कविता पढ़ने का पूरा प्रयास करूंगा। हम कैसे कैसे दिवस मनाते हैं सर, मदर्स डे, पेरेंट्स डे, चिल्ड्रन डे, तब मैंने एक कविता लिखने का प्रयास किया है कि मदर्स डे के दिन एक महिला मदर टेरेसा के तस्वीर को निहार रही थी।
मदर डे के दिन एक महिला मदर टेरेसा के तस्वीर को निहार रही थी। मैंने कहा माई शाम होने को आई, घर नहीं जाऊंगी। वह बोली घर इस शब्द से ही मन कचोटता है, बहू खाने को नहीं देती बेटा खाने को दौड़ता है। क्या बात है, क्या शब्द विद्या। बहू खाने को नहीं देती बेटा खाने को दौड़ता है। तब मैंने दो पंक्तियां लिखी कि पत्नी अच्छी मिली तो घर सजा देती है, पत्नी अच्छी मिली तो घर सजा देती है, पत्नी अच्छी नहीं मिली तो पूरे घर को सजा देती है। पत्नी अच्छी नहीं मिली तो पूरे घर को सजा देती है। कि पेरेंट्स डे के दिन एक लड़का अपने परिवार के साथ होटल में आया। यह दृश्य देखकर होटल के मालिक का मन भराया। होटल के मालिक ने कहा बहुत अच्छे, भला आज के दौर में कहाँ मिलते हैं ऐसे बच्चे, बेटे होने का फर्ज निभाया है। पेरेंट्स डे के दिन आपको भोजन के लिए साथ में लाया है। आपका बच्चा आपसे करता कितना प्यार है, ये साक्षात आधुनिक श्रवण कुमार है। ये नूर नहीं कोई नूर है। लड़के ने कहा सेठ जी चुप रहिए, ये मेरे सास ससुर है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लड़के ने कहा चुप रहिए, ये मेरे सास ससुर है कि जिस बालक के साथ हमने बाल दिवस मनाया, शाम को वही बालक हमारे पास आया। बोला अंकल आज मैंने पूरे 100 रुपए कमाया। मैंने कहा कहीं चोरी की? बोला नहीं नहीं, यह रुपए मैंने मेहनत से कमाए हैं। बाल मजदूरी अपराध है के पोस्टर पूरे शहर में लगाए हैं। क्या बात, बाल मजदूरी अपराध है के पोस्टर पूरे शहर में लगाए हैं। वहां से एक छोटी सी कविता ने जन्म लिया कि बाल दिवस के दिन प्रकाश नाम का एक बालक अंधियारे में खड़े होकर सब्जी बेच रहा था। मैंने उस बालक से पूछा पालक है क्या? वह बोला भाई साहब अगर पालक होते तो मैं सब्जी क्यों बेचता। बहुत अच्छा, अगर पालक होते तो मैं सब्जी क्यों बेचता। मैंने कहा मैं उस पालक के बारे में नहीं पूछ रहा, ये बता ये पालक क्या भाव बेच रहा। उसने फिर मेरी तरफ देखा, बोला ले जाओ, वैसे भी आजकल पालक को भाव कौन देता। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तब मैंने पंक्तियां लिखी है कि कहीं छाव कहीं धूप होते हैं, कहीं छाव कहीं धूप होते हैं, बच्चे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, कुल का दीपक बुढ़ापे की लाठी, जाने कैसे पाप सजा लेते हैं। बच्चों का भविष्य उज्जवल हो इसीलिए माँ बाप अपना वर्तमान जला देते हैं। है, बहुत अच्छा। के चेहरा चेहरा खिला खिला था, मित्र आज बरसों बाद मिला था, उसके ठाठ बाट देखकर कई विचार जागे, मेरे खोपड़ी में ऐसा लगा जैसे कृष्ण आए हो सुदामा के झोपड़ी में। मिलते ही मुझसे बोला यार तू आ कभी, नजदीक ही मेरा बंगला है, गाड़ी है, नौकर चाकर है, विदेशी बैंकों में लॉकर है, सुंदर सी पत्नी है, फूल से बच्चे है। सारी बातें कह गया एक ही दम में। मैंने उससे पूछा माँ पिताजी कहाँ हैं? वह बोला वृद्धाश्रम में। बढ़िया, वह बोला वृद्धाश्रम में। मैंने कहा दोस्त धन दौलत तो साथ में घड़ी दो घड़ी होती है, मगर याद रख जिस घर में माँ बाप होते हैं वो जगह जन्नत से ज्यादा बड़ी होती है। बहुत अच्छे,